गुरुवार को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वोट की खातिर नेताओं के बीच बयानबाजी की ऐसी अंधी होड़ मची है कि संवैधानिक पदों का भी लिहाज नहीं किया जा रहा है। वोट की फसल काटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देने वाले कांग्रेस नेता अब राष्ट्रपति पर भी उंगली उठाने से बाज नहीं आ रहे। ये हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता है। गहलोत के राजनीतिक कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन चुनाव की पिच पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर उंगली उठाकर कांग्रेस का ये कद्दावर नेता हो गया है हिट विकेट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपति कोविंद को लेकर विवादित बयान दिया है। गहलोत ने आरोप लगाया है कि रामनाथ कोविंद को उनकी जाति की वजह से राष्ट्रपति बनाया गया। राष्ट्रपति कोविंद जी का जो चुनाव है, कल में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि क्योंकि चुनाव गुजरात के आ रहे थे, वो पहले घबरा चुके थे कि हमारी सरकार गुजरात में नहीं बनने जा रही है। तो एक के बाद एक अमित शाह जी के हथकंडे सामने आए, उन्होंने सलाह दी होगी मेरा समझना कि रामनाथ कोविंद जी को बनाया जाति संविधान बैठाने के लिए, और अडवाणी साहब छूट गए। रामनाथ कोविंद आज हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं। वो 130 करोड़ की आबादी वाले देश के प्रथम नागरिक हैं। संसद से लेकर सेना तक की शक्तियां उनके पद में समाहित हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस राष्ट्रपति के पद को जाति के तराजू में कैसे तोल सकती है, कैसे देश के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की जाति को लेकर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। क्या जाति की नीति ही अब कांग्रेस की राजनीति बन गई है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जाति को लेकर अशोक गहलोत के इस विवादित बयान को बीजेपी ने कांग्रेस की ओछी राजनीति करार दिया है। देश के राष्ट्रपति जो कानून के, जो पूरे संविधान के कस्टोडियन हैं, सभी राजनीतिक दलों से और सभी संस्थाओं से जो ऊपर हैं, उस संस्था पर भी राजनीतिक, उनको भी चुनावों में घसीटने का, उन पर बहुत निचले स्तर का वार करने का एक कोशिश किया है। ये केवल और केवल कांग्रेस की संस्कृति और उनकी ओछी संस्कृति को दर्शाती है। राष्ट्रपति का पद भारत के गणतंत्र का आधार है, ऐसे में राष्ट्रपति का अपमान 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान है। कांग्रेस में भले ही अशोक गहलोत के खिलाफ मुंह खोलने की कोई जरूरत ना दिखा पाए, लेकिन देश की जनता शायद ही अपमान के इस घूंट को पीकर चुप बैठेगी। चुनावी पिच पर कांग्रेस के पाले में विवादित बोल बोलने वाले गहलोत अकेले खिलाड़ी नहीं है, बल्कि क्रिकेटर से सियासतदान बने और पंजाब की कांग्रेस सरकार में मंत्री नवजोत सिद्धू ने तो जहरीले बयान देने में सबको पीछे छोड़ दिया है। अशोक गहलोत ने जहां राष्ट्रपति की जाति पर सवाल उठाए, तो कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर जहर उगला। लोकसभा चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। वो पंजाब से बाहर भी कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बुधवार को अहमदाबाद के धोलका की चुनावी सभा में सिद्धू की जुबान ऐसी बेलगाम हुई कि वो पदों की मर्यादा और शब्दों की सीमा को भी भूल गए। सिद्धू ने पीएम मोदी को गोधरा का मुजरिम तक कह डाला। कोई गोधरा कराने वाला सरदार भगवंत सिंह सिद्धू के बेटे को सवाल नहीं कर सकता, राष्ट्रभक्ति की बात नहीं कर सकता, छाती ठोक के कहता हूं। ऐसा पहली बार नहीं है जब सिद्धू ने पीएम मोदी का अपमान किया है। शायद सिद्धू का हर बयान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को खुश करने के लिए होता है। राहुल प्रधानमंत्री को चोर कहते हैं, ऐसे में सिद्धू उनसे भी एक कदम आगे निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी भड़ास निकालने के चक्कर में नवजोत सिंह सिद्धू ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हुए कि भाषण के बीच ही उन्होंने योग का मजाक तक उड़ा डाला। बाबा रामदेव ही बना दो सबको, सवेरे मोदी जी
अरे पेट खाली है योगा कराया जा रहा है और जेब खाली है खाता खुलवाया जा रहा है। ये राष्ट्रभक्ति है तुम्हारी है? सिद्धू शायद भूल गए कि योग हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। ये किसी राजनीतिक पार्टी की धरोहर नहीं है। और मोदी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज दुनिया के 177 देश योग दिवस मनाते हैं, जिसमें 44 इस्लामिक देश भी शामिल हैं। जहरीले बयानों में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की एक विधायक का भी खूब साथ मिला। चकदाह से टीएमसी की विधायक रत्ना घोष के लिए चुनाव एक जंग की तरह है और जंग जीतने के लिए वो हर तरीके को सही मानती हैं। लेकिन हद तो ये हो गई कि देश की सुरक्षा में रात दिन लगे रहने वाले सीआरपीएफ के जवानों को ममता दीदी की विधायक झाड़ू से पीट कर भगाने की बात कर रही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ बयानबाजी करने वाली टीएमसी विधायक पर पार्टी मुखिया और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। और इसी का असर है कि टीएमसी के एक और नेता अनुव्रता मंडल भी केंद्रीय सुरक्षा बलों को खुलेआम धमकी देते नजर आए। पश्चिम बंगाल में खौफ और धमकी की राजनीति पहली बार नहीं हो रही है। पहले वामपंथियों के राज में और अब ममता दीदी के राज में चुनावी हिंसा पश्चिम बंगाल की पहचान बन चुकी है। लेकिन टीएमसी नेता शायद भूल रहे हैं कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। ऐसे में कहीं सुरक्षा बलों का खुलेआम अपमान कहीं टीएमसी को चुनाव की पिच पर भारी ना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।